हाय एवरीवन, दिस इज विरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का प्रोजेक्ट टाइगर पे है। यूपीएससी एनवायरनमेंट इकोलॉजी वाले पोर्शन को लेकर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके स्पेशली कंजर्वेशन एफर्ट्स जो रहते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, तो आज हम प्रोजेक्ट टाइगर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आप मेरे साथ कोई भी डाउट हो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है इस लेक्चर का वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आज हम प्रोजेक्ट टाइगर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है ये प्रोजेक्ट। तो डिटेल में जानेंगे कि क्यों शुरू किया गया था। टाइगर के बारे में भी देखेंगे, इस एनिमल के बारे में जानेंगे, स्पेशली बंगाल टाइगर के बारे में, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च हुआ। अब कितना एरिया इस प्रोजेक्ट के अंदर आता है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं 71,000 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन रॉयल बंगाल टाइगर की इंडिया में कितनी है, नियर अबाउट 3,000 इंडिविजुअल्स कहा जाता है। बहुत सारी फॉरेन मैगजीन्स की रिपोर्ट्स भी हैं जहाँ पे 4,000 भी कहा जाता है, बट 2018 का सर्वे अगर हम देखें तो 2,967 जो टाइगर्स हैं वो रिपोर्ट किए गए थे। उसके बाद IUCN स्टेटस जो रॉयल बंगाल टाइगर का है वो थ्रेटन्ड है। ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर जो है वो 3,900 इंडिविजुअल्स है। और देखिए थ्रेटन्ड यहाँ पे हम इसको करेक्ट करना चाहेंगे, थ्रेटन्ड की जगह देखिए एंडेंजर्ड, ओके एंडेंजर्ड है। स्पेलिंग इसके मैं सही से लिख देती हूँ, एंडेंजर्ड स्पीशीज रॉयल बंगाल टाइगर का स्टेटस है। ग्लोबल पॉपुलेशन अगर आप टाइगर की देखें तो अराउंड 3,900 इंडिविजुअल्स है और इंडिया में इसकी 70% पॉपुलेशन है। अब कौन कौन से देश में टाइगर मिलता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, पाया जाता है। इंडिया है, नेपाल है, भूटान, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशियन, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना एंड रशिया। साइंटिफिक नेम आपको टाइगर का पता होना चाहिए, जो है पैंथेरा टिग्रिस। अब देखिए, जब भी किसी एनिमल का हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसको या तो इस तरह से इटैलिक्स में लिखते हैं, या फिर अगर आप उसको नॉर्मल लिख रहे हैं तो आप उसको अंडरलाइन करते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टाइगर के बारे में मैंने आपको दी। अब टाइगर के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। देखिए टाइगर क्या है, कैट स्पीशीज में आता है, तो लार्जेस्ट वाइल्ड कैट स्पीशीज है दुनिया की। अब देखिए, आपके जैसे साइबेरिया में भी टाइगर्स मिलते हैं, जिसको बोला जाता है साइबेरियन टाइगर या अमूर टाइगर, राइट? इनका वेट 320 केजीज तक जाता है, और जो हमारे यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है इसका वेट भी 300 केजी तक जाता है। अब ये सॉलिटरी हंटर्स हैं, अकेले हंट करते हैं, क्योंकि कुछ एनिमल्स होते हैं जो ग्रुप में हंट करते हैं, लेकिन टाइगर अकेले हंट करता है और अपने प्रे को अराउंड 10 मीटर्स पे जाने के बाद उस पर अटैक करता है, राइट? और अपने अटेम्प्ट में यूजली ये सक्सेसफुल रहते हैं। अब देखिए, इनका साइज में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन इससे उनकी मूवमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टाइगर टाइप जो मूवमेंट होती है, बहुत ही स्पीडी मूवमेंट आप कह सकते हैं, क्विक मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं, टर्म क्या होता है, एजाइल एनिमल है, एजाइल मूवमेंट है। और इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर अगर शॉर्ट बर्स्ट में आप देखें हो सकते हैं, तो एक समय पे अराउंड 20 मीटर to 30 मीटर ये जंप भी करता है। दे आर लार्ज साइज डिमांड्स फॉर लार्ज होम रेंजेस, तो ऑब्वियसली इसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए जो इसका एरिया है जिस फॉरेस्ट में ये है या जो इनका हैबिटेट है वो भी काफ़ी बड़ा रहता है। आप देख सकते हैं आइडियली 30 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 150 स्क्वायर किलोमीटर तक, और ये डिपेंड करता है, इसकी काफ़ी सारी सब स्पीशीज़ भी हैं, अराउंड 9 सब स्पीशीज़ हैं, 5 अभी भी हैं और 3 जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी, और 5 से 6 सब स्पीशीज़ जो हैं वो अभी भी इसकी पाई जाती हैं, मिलती हैं। अब देखिए, हम बहुत बार एक टॉपिक पढ़ते हैं, मैन वर्सेस एनिमल कन्फ्लिक्ट, राइट? तो टाइगर का बहुत कम कन्फ्लिक्ट हमको एनिमल्स सॉरी ह्यूमंस के साथ दिखता है, लेकिन फिर भी ये जो इसकी एक ज़रूरत है, जैसे मैंने बताया कि इसको काफ़ी बड़ा हैबिटेट जो है वो चाहिए, इस वजह से ये ह्यूमन कन्फ्लिक्ट में कभी कभी आ जाता है, ह्यूमन कॉन्टैक्ट में आ जाता है, और फिर कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट होती हैं। अगर ह्यूमंस के साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा, तो जिस तरह से गाँव में लोग लाइव स्टॉक रखते हैं तो वहाँ पर लाइव स्टॉक पर अटैक करेगा, तो इस तरह के
कंफ्लिक्ट हमको देखने को मिलते रहते हैं। उसके बाद देखिए एक और बहुत अच्छी बात है टाइगर के बारे में कि काफ़ी सुपीरियर एनिमल है, साइज में काफ़ी बड़ा है, स्ट्रेंथ भी इसकी बहुत है, स्पीड भी बहुत है, लेकिन फिर भी ये लोगों के साथ, ह्यूमंस के साथ अपना कॉन्टैक्ट जो है वो अवॉइड करता है, और अगर उसको कहीं पर ह्यूमंस दिख जाएंगे तो हाइड अवे, छुप जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए इसको एक निक नेम भी दिया गया है टाइगर को, द जेंटलमैन ऑफ द जंगल, यानी जंगल का जेंटलमैन। तो इस तरह से आपने देखा कि काफ़ी सारी पॉपुलेशन भी है, और जैसे मैंने कहा प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है, जो नंबर्स हैं टाइगर के फिर से इंक्रीज हुए हैं, लेकिन हमारा देश जो बहुत ही ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड है, जहाँ पे कहीं ना कहीं टाइगर कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट में ह्यूमंस के साथ डेली बेसिस पे आ ही जाता है, लेकिन वहाँ पे भी आपको बहुत कम केसेस ऐसे मिलेंगे। यूजुअली आपको लेपर्ड के बहुत सारे केसेस मिलेंगे ह्यूमन मैन वर्सेस एनिमल कन्फ्लिक्ट में, लेकिन टाइगर के इस तरह के केसेस जो हैं वो बहुत कम मिलेंगे, बिकॉज जेंटलमैन ऑफ द जंगल, याद रखिए। और इन केस इस तरह का कन्फ्लिक्ट कहीं पे होता है तो कॉम्पनसेशन, ड्यू कॉम्पनसेशन जो है, अगर लाइफ स्टॉक किसी का मार देता है टाइगर, तो गवर्नमेंट द्वारा ड्यू कॉम्पनसेशन भी जो है वो दी जाती है, इस तरह के पैकेजेस जो हैं विक्टिम्स को वो दिए जाते हैं, लेकिन बहुत ही इम्पॉसिबल सिचुएशन है जहाँ पे लोकल्स के साथ टाइगर कन्फ्लिक्ट में आएगा। अब टाइग्रस की अगर बात करें तो अराउंड 5 कब्स को ये बर्थ देती है, लेकिन बहुत ही रेयर होता है 5 को दिया जाए। यूजुअली आप 3 देखेंगे और उनमें से एक ही प्रॉपरली बड़ा होगा, वरना कई बार क्या होता है कि बाकी मेल टाइगर्स जो हैं वो शिकार कर लेते हैं और कोई एनिमल्स उनको उठा के ले जाते हैं। तो ये इनका रिप्रोडक्टिव रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद टाइगर एक फॉरेस्ट एनिमल है, ऐसे ओपन में लाइन की तरह आपको नहीं मिलेगा। यंग मेल टाइगर्स जो हैं जब ये अपने मदर से दूर हो जाते हैं, किस एज में दूर हो जाते हैं, अराउंड 18 to 22 months में, और फिर ये काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं क्योंकि कंपटीशन होता है। अगर एक टाइगर एक एरिया में है तो वो दूसरे टाइगर को नहीं आने देगा, बिकॉज डेफिनेटली वो फीमेल्स को वहाँ पे वू करेगा, राइट। तो वो उस एरिया से निकल जाते हैं किस क्या ढूंढने के लिए कि कोई उनको प्रॉपर अपना हैबिटेट जो है वो मिल जाए। लेकिन अब जैसे इंडिया में बहुत सारे आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस तरह से अगर टाइगर 18-22 months में एक फेयर डिस्टेंस नए एरिया की खोज में निकलेगा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो ह्यूमन हैबिटेशन से गुजरेगा, रूरल एरिया या डेवलपिंग एरिया से गुजरेगा, राइट। लेकिन नए फॉरेस्ट की खोज में, ये आपको याद रखना है कि जो टाइगर्स हैं वो 18-22 months में निकल जाते हैं। और वैसे भी टाइगर जो एनिमल है ये पावर का आप देख सकते हैं सिंबल है, नेशनल एनिमल है इंडिया का, और इसको हिंदू और ट्राइबल कल्चर में आप देखें वर्शिप भी किया जाता है। लोग टाइगर से डरते भी हैं और इसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर या फिर रिलीजियस बिलीफ आप कह सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा टाइगर के बारे में और जानेंगे कि किस तरह से टाइगर अपनी बॉडी जो है वो अडैप्ट करता है। आप देखते हैं जैसे कैमेलियन होता है, वो अपने स्किन कलर चेंज करता है, राइट। हर एनिमल का कोई ना कोई अडैप्टेशन होता है। जैसे प्लांट में हम देखें कैक्टस है, तो वो यूजुअली कैक्टस आपको कहाँ मिलेगा, डेजर्ट में मिलेगा, तो उसके लीफ थॉर्न्स की शेप में हो जाते हैं, वो एक अडैप्टेशन है। इसी तरह से टाइगर की भी अडैप्टेशन हैं, जिस तरह से इसका ऑरेंज कोट है, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं टाइगर की, ये इसको किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ट्रीज़ की शेडोज़ के साथ कैमोफ्लाज करने में, जो शेडोज़ हैं राइट उनसे जंगल में कैसे मूव करना है। ऑरेंज कलर सन रेज को एब्जॉर्ब करता है और फिल्टर करता है, और ग्रासलैंड्स में ये इजीली मूव कर पाता है। इसके जो विस्कर्स हैं वो सेंसरी टूल की तरह काम करते हैं। जो इसका ऑल्फैक्टरी ग्लैंड है, जहाँ से इसकी सूंघने की शक्ति जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और ये बाकी टाइगर्स को उस एरिया में उनके एक्सक्रीटा की वजह से, उनकी मूवमेंट की वजह से, उनको स्मेल करके टाइगर बहुत ईजिली पहचान सकता है। इनके जो क्लॉज हैं ये काफ़ी रिट्रैक्टेबल हैं, जिससे ये जो प्रे को बहुत ईजिली पकड़ सकते हैं। इनके दांतों की अगर बात की जाए, जो मोलर्स हैं या कैनाइंस हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप रहती है, जिससे प्रे जो है वो इनके शिकंजे से छूट नहीं सकता। तो इस तरह की अडाप्टेशन हैं जॉ मसल्स को लेकर। जो इनके पाँव हैं बहुत ही सेंसिटिव पैडिंग है, तो अगर ये जंगल में चल भी रहे हैं तो साउंड नहीं आती। लॉन्ग हाइंड लेग्स हैं जो काफ़ी स्प्रिंग देती हैं कि लॉन्ग जंप्स टाइगर ले सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं अडाप्टेशन टाइगर की, जिस तरह से विस्कर्स मैंने कहा कि ये एक सेंसरी टूल है जो सेंस कर सकते हैं कि बाकी के एनिमल्स या उनका मोशन किस तरफ है। तो विस्कर्स तो हर बॉडी पार्ट का कोई ना कोई यूज है, तो ये विस्कर्स हैं। उसके बाद इनके दांतों के बीच में मोलर्स, इनके नाइन्स का गैप है जो मैंने आपको बताया, प्रे को मार देता है एकदम से जब ये पकड़ लेता है।
पीछे वाली लेग्स जो हैं वो काफ़ी लंबी हैं ताकि अराउंड 20 to 30 feet ये जंप कर सके. ऑरेंज कोट है, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं. टाइगर हेल्प इन ब्रेकिंग द शेडोज ऑफ द ट्री एज अ टाइगर मूव थ्रू द थिक जंगल, मैं आपको बता चुकी हूँ. और सन रेज को एब्जॉर्ब करता है इसका ऑरेंज कलर. फिर ऑल्फैक्टरी ग्लैंड जो है ये बाकी टाइगर्स को उनके यूरिन से, उनकी स्मेल से पहचानता है. जॉ मसल्स, क्लॉज, या आप पिक्चर में भी देख सकते हैं किस तरह से टाइगर की अडाप्टेशंस हैं. चलिए, ये हो गया टाइगर के बारे में. अब जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक वहाँ भी है क्योंकि हो सकता है उसके बारे में भी पूछा जाए जब हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ रहे हैं. अब प्रोजेक्ट टाइगर को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. देखिए, जब 20th सेंचुरी का डेटा हम देखते हैं तब माना जाता है कि अराउंड 20,000 to 40,000 टाइगर्स जो थे वो इंडिया में पाए जाते थे. लेकिन उसके बाद आप देखें 1972 में वापस एक सर्वे हुआ जहां पे पता चला एकदम 20,000 से 40,000 टाइगर अगर पाए जाते हैं तो एकदम से उनका नंबर आया 1,800. तो ये सब किस वजह से हुआ? ऑब्वियसली प्राइमरी रीज़न क्या है? आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा हंटिंग होने लगी, पोचिंग होने लग गई, राइट? इन्वेसिव स्पीशीज़ आप कहें तो इन्वायरमेंटल रीजंस भी हैं, लेकिन प्राइमरी रीज़न ह्यूमन एक्टिविटी है. तो 1972 का सर्वे क्या कहता है, एकदम लास्ट सेंचुरी में जहाँ 20,000 से 40,000 टाइगर्स पाए जाते थे, तो 1972 में इनका नंबर रिड्यूस होके मेयर 1,800 रह गया. अब उसके बाद 1973 में क्या होता है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च होता है पलमाओ टाइगर रिजर्व में, और बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं एक स्पेशल स्ट्रैटेजी पे. ये स्ट्रैटेजी क्या है, कोर एंड बफर स्ट्रैटेजी. इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कोर स्ट्रैटेजी बफर स्ट्रैटेजी क्या है, राइट? लेकिन आपको याद रखना है प्रोजेक्ट टाइगर किस स्ट्रैटेजी पे लॉन्च हुआ, कोर एंड बफर स्ट्रैटेजी पे. फिर ये भी याद रखना है इसको कहाँ लॉन्च किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में उत्तराखंड 1973. टाइगर रिजर्व अगर आप देखें तो पलमाऊ टाइगर रिजर्व, और अगर नेशनल पार्क देखें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. तो ये झारखंड में है पलमाऊ टाइगर रिजर्व. अब इंडिया में 80 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं और 441 सेंचुरीज से ज़्यादा सेंचुरीज यहाँ पे मौजूद हैं, और उनमें से बहुत सारी टाइगर रिजर्व्स घोषित की गई हैं. यहाँ पे इस लेक्चर के एंड में मैंने आपको एक पूरी लिस्ट दी है टाइगर रिजर्व्स की. और प्रिलिम्स में अगर आप देखें बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये याद करने वाली बात है कि जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं अभी अराउंड 50-51 हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए. स्पेशली अगर आप इंटरव्यू पर्पज़ के लिए देखें तो आपकी स्टेट में या कौन कौन से हैं, या उससे आपके नेबरहुड स्टेट्स में कौन से हैं, आपको याद होना चाहिए. थोड़ा मेहनत का काम है बट आप रेगुलरली रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा. अब टाइगर रिजर्व्स आर गवर्न्ड बाय प्रोजेक्ट टाइगर. अब ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट. और एडमिनिस्टर कौन करता है इसको, NTCA जो कि है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. इसके बारे में भी मैं आपको एक स्लाइड में प्रॉपरली बताऊंगी कि NTCA क्या है. अब इस पूरे प्रोजेक्ट टाइगर का अगर आप एम देखें तो क्या मकसद है कि प्रोटेक्ट करना है टाइगर्स को ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, क्योंकि एंडेंजर्ड तो वो हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट ना हो और उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो और नेचुरल हैबिटेट्स में. लेकिन देखिए, स्टेटमेंट कई बार ऐसे भी आ सकती है कि हमने अगर टाइगर्स को बचाना है तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो उनका शिकार है, जो उनका प्रे है, हमने उसको भी बचाना है. यहाँ पे मैंने आपको एक रीज़न दिया कि प्राइम रीज़न टाइगर्स का, उनके लॉस का, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है. लेकिन कई बार इन्वेसिव स्पीशीज़ वो भी अल्टीमेटली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है कि नई तरह की स्पीशीज़ जो है, प्रोड्यूसर्स जो हैं एक एरिया के, वो चेंज हो जाते हैं. प्रोड्यूसर्स चेंज होगा तो उस एरिया का जो फर्स्ट लेवल पे सपोज कोई हर्बीवोर है तो वो भी चेंज होगा. अब ये जो हर्बीवोर है उसको प्रॉपर खाना प्रोड्यूसर जो है वो नहीं मिल पा रहा, तो टाइगर फूड चेन में लास्ट में आता है. तो अल्टीमेटली इफेक्ट किसको पड़ेगा, टाइगर को, क्योंकि टाइगर इस हर्बीवोर पे डिपेंड करता था, इसको खाता था. लेकिन ये जो हर्बीवोर है अब इसको अपना खाना तो मिल ही नहीं रहा क्योंकि वहाँ के प्रोड्यूसर्स चेंज हो गए, इन्वेसिव स्पीशीज आ गए. तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टाइगर का पॉपुलेशन लास्ट इतने सालों में बहुत नीचे गिर गया. लेकिन अब अल्टीमेटली जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उसकी वजह से फिर से इंक्रीज जो है इनके पॉपुलेशन में वो देखा गया है.
इसी के चलते गवर्नमेंट ने टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो भी लगाई है, ताकि पोचर्स के साथ लड़ा जा सके, कि इनकी हंटिंग ना हो, इनकी हंटिंग रोकने के लिए। और अब काफ़ी सारे एरियाज टाइगर के थे जिनको हमने प्रोटेक्ट किया, वहाँ पे ऑलरेडी जो आपके विलेजर्स थे वो रह रहे थे, तो बहुत सी जगह पे वॉलेंट्री मूवमेंट या रिलोकेशन लोगों की भी करवाई गई है, ताकि हम जो हैबिटेट है टाइगर का उसको प्रोटेक्ट कर सकें। अब देखिए आगे कि जिस तरह से मैंने कहा कि कौन सी स्ट्रैटेजी है, कोर एंड बफर स्ट्रैटेजी। बेसिकली टाइगर रिजर्व जहाँ पे है, जिस एरिया को टाइगर रिजर्व कहा जाता है, उसको दो एरियाज में बांटा गया है। वो दो एरियाज क्या है? एक है आपका कोर एरिया, एक है आपका बफर एरिया। कोर एरिया क्या है? इसको लीगल स्टेटस दिया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का या फिर नेशनल पार्क का। यहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस नहीं होंगे, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होंगी, यहाँ पे लोग नहीं आ सकते, राइट? तो इस तरह का इसको प्रोटेक्टेड रखा गया है लोगों की इन्वॉल्वमेंट से। लेकिन बफर एरिया जो है, ये थोड़ा मल्टीपर्पज एरिया है, फॉरेस्ट नॉन लैंड, यहाँ पे कंजर्वेशन ओरिएंटेड, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा, कंजर्वेशन ओरिएंटेड लैंड यूज का ध्यान रखा गया है। टूरिज्म भी यहाँ पे थोड़ा प्रमोट किया जाता है, और जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं विलेज से रिलेटेड या फॉरेस्ट से रिलेटेड, वो कितना कंजर्वेशन ओरिएंटेड लैंड यूज अगर करना चाहते हैं तो उनको अलाउ किया जाता है अथॉरिटी की देखरेख में। देखिए कोर एरिया में भी टूरिज्म जो है वो थोड़ा अलाउड है, लेकिन ओनली 20% एरिया में। कोर एरिया के ओनली 20% एरिया है जहाँ पे आपका टूरिज्म जो है वो अलाउ किया गया है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, और लीगल स्टेटस जैसे मैंने आपको बताया नेशनल पार्क। और बफर एरिया में तो किया ही जाता है, और बफर एरियाज में बहुत सारे पेट्रोलिंग कैंप्स जो हैं या फिर चेक पोस्ट्स हैं वो बनाई गई हैं, किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी अगर होती है, और लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग या वुड फायर के लिए लेनी है, तो ये सब भी आपके बफर एरिया में अलाउ किया जाता है, राइट? तो ये है आपकी कोर और बफर स्ट्रैटेजी प्रोजेक्ट टाइगर को लेके। अब वहाँ पे एक टर्म यूज हुई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे, राइट, कि इसको कौन एडमिनिस्टर करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये NTCA क्या है। NTCA एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी जो इसको एडमिनिस्टर कर रही है। प्रोजेक्ट टाइगर जिसके अंडर चल रहा है, इसी के पास सारी पावर्स हैं और काफ़ी फंक्शंस हैं NTCA के। और ये किसके किस में बताया गया है NTCA का क्या काम है? ये आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका सेक्शन 380 वहाँ पे बताया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, राइट? तो ये जो साइट है www.projecttiger.nic.in, इसमें से काफ़ी चीज़ें 2006 में अमेंडमेंट भी की गई थी, तो NTCA के जो फंक्शंस हैं और क्या पावर्स हैं इनके पास वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। जैसे कि टाइगर कंजर्वेशन प्लान ये लोग बनाएंगे इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर कोई प्लान आएगा कि टाइगर का कंजर्वेशन प्लान क्या है, तो NTCA ही उसको अप्रूव करेगी। उसके बाद NTCA इवेल्युएट करेगी, एक्सेस करेगी कि इकोलॉजी को कैसे बैलेंस किया जाए, सस्टेनेबल इकोलॉजी के एस्पेक्ट्स क्या होंगे, राइट? तो अब लैंड यूज के प्रोजेक्ट्स क्या अलाउ करने हैं और क्या नहीं करना है, किस एरिया में, जहाँ पे सपोज टाइगर रिजर्व आ रहा है, माइनिंग इंडस्ट्री, बाकी के प्रोजेक्ट्स टाइगर रिजर्व्स के अंदर अगर आ रहे हैं, तो उनका अप्रूवल आपको NTCA से लेना होगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कोर एरिया में आपका टूरिज्म 20% अलाउड है, तो कितना टूरिज्म होगा, किस तरह से उसको रेगुलेट करेंगे, ये भी NTCA देखेगा। उसके बाद किसी तरह का रिसर्च या मॉनिटरिंग है, उसका परमिशन भी आपको NTCA से लेना है। इको डेवलपमेंट को फैसिलिटेट NTCA करेगा। क्रिटिकल सपोर्ट, जितनी भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को लेके चाहिए, वो भी NTCA के थ्रू मिलेगी। और मतलब जितना भी प्रोजेक्ट टाइगर को लेके कोई भी एक्टिविटी है, तो NTCA के अंडर ही सब कुछ आता है। अब देखिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पूरी जर्नी है, हमने बोला कि प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, लेकिन ये जर्नी इतनी इजी नहीं थी, क्योंकि अराउंड 1970s अगर आप देखें टाइगर काउंट बहुत कम हो गया, लेकिन रिसेंट सेंसेस जैसे मैंने बताया इंक्रीज टू 5000, ये एक कंपनी का है, बट अगर हम 2018 का ही कंसीडर करते हैं, और 2018 का नंबर मैं आपको स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड में बता चुकी हूँ, तो आप वही मेंशन कीजिए एग्जाम्स में, क्योंकि हमें आगे पीछे की रिपोर्ट्स को मेंशन नहीं करना है, राइट? तो यहाँ पे हम बहुत सारे एफर्ट्स देख सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और नेशनल पार्क्स के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा, कि टाइगर
का जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है, राइट तो पूरा वर्ल्ड इनफैक्ट जानना चाहता है किस तरह के मेथड्स जो हैं यहाँ पे यूज़ किए गए इंडिया में कि माइलस्टोन प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू हमने अचीव किया। अब इससे पहले जब प्रोजेक्ट टाइगर आया तो बहुत सारे चैलेंजेस भी थे लोगों के सामने, जिस तरह से हंटिंग को एकदम बंद कर दिया गया, क्योंकि पहले अगर आप देखें राजा महाराजा के टाइम से तो हंटिंग एक बहुत ही इलीट तरह की चीज़ मानी जाती थी, तो जब हंटिंग बंद कर दिया तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस लोगों की तरफ से आया। उसके बाद बहुत सारे लोग बिजनेस करते थे टाइगर की स्किन का, राइट टाइगर के बॉडी पार्ट्स का, वहाँ से बहुत सारे पैसे कमाते थे, तो वो तरह के उस तरह के बिजनेस भी बंद हो गए, वहाँ से बहुत रेजिस्टेंस आया। तीसरी चीज़ थी जो विलेजर्स या लोग वहाँ पे थे जिनके घर थे या ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, उनको आपने कहीं और जगह शिफ्ट करना था, तो वो लोग भी तैयार नहीं थे, और कई जगह वॉलंटरी मूवमेंट देखी लेकिन कहीं जगह बहुत रेजिस्टेंस आया। तो ये सब चैलेंजेस जो हैं उनको सक्सेसफुली गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने पूरा किया। और बहुत सी अच्छी बात भी थी इस पूरे प्रोजेक्ट में, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट हुई प्रोजेक्ट टाइगर को लेके। जब प्रोजेक्ट टाइगर अनाउंस किया गया तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे टाइगर रिजर्व एरियाज जो हैं वो चाहिए, उनकी मैपिंग होगी, आपको आर्किटेक्ट्स चाहिए, आपको इंजीनियर्स चाहिए, उसके बाद टूरिज्म जनरेट होगा, नॉर्मल आपको लेबर्स चाहिए, राइट तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर बताने के लिए आप लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स दे रहे हैं, तो आप उस तरीके से भी देखिए काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी किया है प्रोजेक्ट टाइगर ने। इस तरह का इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बट मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे बड़ी आगे बात आती है टाइगर सेंसस की, कि ये टाइगर सेंसस आके कैसे किया जाता है और कौन कौन से टाइगर सेंसस हुए, तो उनकी डिटेल यहाँ पे दी है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ टेक्नोलॉजीज बताने चाहूँगी, जैसे अब तो GIS टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है या फिर M-Stripes लेटेस्ट जो यूज़ हुई है, लेकिन उससे पहले DNA फिंगरप्रिंटिंग से, कैमरा ट्रैपिंग से, कैमरा लगाया जाता था, फिर उनके स्ट्राइप्स को देखा जाता था कि नहीं नहीं ये टाइगर अलग है, उनके कहीं पे फुटप्रिंट्स होते थे उनको मॉनिटर किया जाता था, फिर काउंट किया जाता था कितने टाइगर्स हैं। तो अब ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं असेसमेंट की, इनको कंबाइन करके टाइगर सेंसस होता है। देखिए पहला टाइगर सेंसस जो है आपका इस सेंचुरी का 2000 के बाद का 2006 में हुआ। हर 4 साल में NTCA ट्राई करता है कि टाइगर सेंसस किया जाए, तब 1411 टाइगर्स थे देश में। द रिजल्ट्स एस्टिमेटेड टोटल टाइगर पॉपुलेशन 1411 इंडिविजुअल्स रेंजिंग फ्रॉम 1165 टू 1657 एडल्ट और सब एडल्ट टाइगर्स की बात की गई। उसके बाद टाइगर कंजर्वेशन आपका बहुत जोर तौर पे स्टार्ट हुआ, नंबर ऑफ टाइगर्स आपके कॉन्स्टेंटली नेक्स्ट डिकेट तक इंक्रीज होते रहे। 2014 में आप देखेंगे 2226 बंगाल टाइगर्स इंडिया में पाए गए। उस टाइम कर्नाटका जो स्टेट थी सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन वहाँ पे थी, रिकॉर्डेड टाइगर काउंट स्टेट में था 408। ये 2014 टाइगर सेंसस की बात है। फिर 2018 में लेकिन कर्नाटका के बाद टाइगर सेंसस में जो क्राउन है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया का वो मध्य प्रदेश ले गई, क्योंकि वहाँ पे 526 टाइगर्स पाए गए और कर्नाटका उत्तराखंड सेकेंड और थर्ड पोजिशन में थी विथ 524 एंड 442 टाइगर्स। अब टोटल टाइगर पॉपुलेशन जो है एज पर टाइगर सेंसस 2018 में जो हुआ उसमें आपका यूजुअली अभी तक एग्जाम में हम इसी को अकाउंट कर रहे हैं, 2020 की भी रिपोर्ट आई है बट बेटर हम यही टाइगर सेंसस करें, 2967 टाइगर्स जो हैं और 33% मोर देन 214 सेंसस, मोर देन डबल एंड 2006। अब तो अराउंड कह रहे हैं 4000 टू 5000 नंबर इनका और इंक्रीज हो चुका है। टुडे प्रोजेक्ट टाइगर लुक्स आफ्टर 50 टू 51 टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि 72,749 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन कवर में फैले हुए हैं, स्पेशली आपका रॉयल बंगाल टाइगर। अगेन मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि अभी तक आप टाइगर सेंसस 2018 को ही कोट करिएगा विथ 2967 टाइगर्स, राइट? जैसे मैंने कहा अलग अलग रिपोर्ट्स हैं कि 4000 5000 कहा जा रहा है बट ऑफिशियली यही फिगर्स हैं, तो यही कोट कीजिएगा। तो ये बात थी टाइगर सेंसस के बारे में। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 20th सेंचुरी में बहुत सारे टाइगर्स थे, अगर कहीं पे रिटन भी आता है कि क्या रीज़न रहे होंगे कि टाइगर की पॉपुलेशन कम हो गई, तो ये आप याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया एक तो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज़, ओके, और तीसरा जो हंटिंग है वो भी उसी में आएगी, हंटिंग, पोचिंग और इलीगल ट्रेड,
तो ये सब रीजंस थे, तो इनको मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ आ चुका होगा। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए और ये आपका प्रीलिम्स 2017 में आया था। द टर्म एम स्ट्राइप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो डेफिनेटली हम टाइगर्स की आज बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स। अब देखिए जो फोर्थ टाइगर सेंसस था 2018 में, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी मोबाइल ऐप एम स्ट्राइप्स जो है पहली बार यूज़ की गई सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। प्राइमरी फोकस था टाइगर सेंसस 2018 का कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हमने कवर करना है जिसको प्रीवियस सेंसस में नहीं लिया गया। तो फर्स्ट टाइम जो आपके 3 नेबरिंग कंट्रीज हैं भूटान नेपाल बांग्लादेश, यहाँ पे टाइगर्स का काउंट किया गया, इन्होंने हेल्प की। तो ट्रांस इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी, जो हमारे आगे पीछे के देश हैं जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं वो भी टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स में उसका उसको भी देखा जाता है। एम स्ट्राइप्स फुल फॉर्म देखिए, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, तो ये ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसको इंडियन टाइगर रिजर्व्स में NTCA ने 2010 में ही लॉन्च कर दिया था, राइट। GIS डोमेन यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डोमेन में इसको पेट्रोलिंग में स्पेशल कवरेज में ये हेल्प करता है। जैसे आपकी पहले एक और था पग मार्क टेक्निक, इसमें जो पाँव के निशान हैं वो देखे जाते थे, या फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग यूज़ किया जाता था। तो अब ये सब सिस्टम मिलके यूज़ किए जाते हैं जब हम टाइगर्स की काउंटिंग करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये 2012 में आया था। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज, बांदीपुर, फिर आपका है भिटार कनिका, मानस, सुंदरबंस, तो इसमें से कौन से आपके टाइगर रिजर्व्स हैं? बांदीपुर भी टाइगर रिजर्व है, ये स्पेसिफिकली नहीं है, मानस भी टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन भी आपके टाइगर रिजर्व्स के अंदर आता है। तो 1, 3 and 4 इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि बांदीपुर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, ये साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका में है आपका बांदीपुर। मानस नेशनल पार्क या मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नेशनल पार्क है, यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, और एलिफेंट रिजर्व भी है मानस नेशनल पार्क, और एक बायोस्फीयर रिजर्व इन असम ये पाया जाता है। तो यहाँ पे एलिफेंट्स टाइगर दोनों रिजर्व इनकी कंजर्वेशन की जाती है। सुंदरबन नेशनल पार्क ये भी टाइगर रिजर्व है, और एक ऑब्वियसली इंडिया का बहुत फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का सुंदरबन्स ऑन द गैंजेस डेल्टा, इंडिया बांग्लादेश का जो गैंजेस डेल्टा है उस पर पाया जाता है। अब ये जो भिटारकनिका नेशनल पार्क है ये केंद्र उड़ीसा में आपको मिलता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली एक टाइगर रिजर्व नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं, कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे लिस्ट मैंने आपको दी है, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट वाइज दी है। ओके, ये नंबर 1 यहाँ चला गया आंध्र प्रदेश, और कौन सा है यहाँ पे, तो ये आप याद रख सकते हैं कि कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। तो PDF आपको इसीलिए टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, शुरू में टेलीग्राम का मैंने आपको एड्रेस दे रखा है 2nd स्लाइड में, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम या कहीं पे भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।